इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। सोशल नंबर विश्वास इंडिया नहीं बिका 2021 और 24 के लिए इंटरनल डेमोक्रेसी के जरिए से अपनी लीडरशिप को चुनी है, इससे लेकर स्टेट और नेशनल का भी इलेक्शन चला है। इसी तरीके से स्टेट जनरल सेक्रेटरी होकर मैं री इलेक्ट हुआ हूँ, तो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट अब्दुल मैसूर स्टेट प्रेसिडेंट को भी इलेक्ट हुए हैं। तो हम कर्नाटक के पूरे डिस्ट्रिक्टों का जायजा ले रहे हैं और कर्नाटक के जो अभी के प्राइम इश्यूज हैं, पब्लिक इश्यूज हैं, सोशल इश्यूज हैं, वो इश्यूज को एड्रेस करने के लिए पार्टी अभी ऑलरेडी मिशन लिए है। इसी तालुक से आज गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में हम विजिट किए, कल दमनगर में हम विजिट किए, परसों चित्रदुर्गा में थे। तो बेलगाम में आने के बाद हमें समझ में आया है कि कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसको हम पब्लिक के सामने लाना चाह रहे हैं। इसमें स्टेट लेवल के भी इश्यू है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के भी इश्यू है। सबसे कोर इश्यू है स्टेट और डिस्ट्रिक्ट को भी एप्लीकेबल होने वाला। अभी कर्नाटक के पूरे कंट्रैक्टर एसोसिएशन वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखे हैं कि कर्नाटक में कोई भी एक प्रोजेक्ट पास होना है तो 40% कमीशन देना है। और बीजेपी के मिनिस्टर्स को कोई टेंडर का क्या अप्रूवल होने से पहले 5% कमीशन देना है। तो नरेंद्र मोदी साहब कर्नाटक में आके यहाँ के इलेक्शन रैली में एक भाषण दिए थे, हमारी सरकार ना खाएगी ना खाने देगी। तब कांग्रेस हुकूमत के ऊपर 10% का आरोप था, अभी 40% का आपकी गवर्नमेंट के ऊपर आरोप आया। आप एक भी लफ्ज इसके बारे में बात नहीं किए, क्या आप इसके बारे में आप डबल इंजिन जो गवर्नमेंट है आपको भी इसमें परसेंटेज आ रहा है क्या? तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, आपके सीएम कर्नाटक के सीएम का रेजिग्नेशन लेना है। अगर आप नहीं लिए तो कर्नाटक में एक बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन आने वाला है, एक नया एक एहतजाज हम करने वाले हैं। तो हमारा डिमांड ये है, हमारा मुतालबा ये है, कर्नाटक के हाईकोर्ट के सिटिंग जज के मौजूदगी में ये स्कैम सिर्फ बीजेपी हुकूमत में नहीं, कांग्रेस की हुकूमत में भी जितने भी टेंडर्स पास हुए हैं उसमें किस किस को कमीशन गया है, ये पूरा एक इंक्वायरी होना है और जो भी कसूरवार हैं उनको सजा के मुस्तैक बनाना है। और दूसरा हमारा एक इश्यू है बेलगावी के जो यहाँ पर सेशन चलने जा रहा है, सेशन चलने से पहले एक पुलिस से एक सर्कुलर जारी हुआ पुलिस डिपार्टमेंट से कि यहाँ के जो क्रिश्चियनों के जो चर्च हैं वो चर्च को आप जितने भी ऑफिशियल ऑथराइज्ड चर्च हैं वहीं पर आप प्रेयर करना है, दूसरे घरों में या दूसरे पब्लिक प्लेस में या जगहों में आप प्रेयर नहीं करना है। क्योंकि हमें बंदोबस्त में रहने की वजह से आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते, आपको सिक्योरिटी देने क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि कुछ बदलो के गुंडा आपके ऊपर अटैक करने के चांसेस है। तो ऐसा ही एक स्टेटमेंट बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर ने भी दिया था, जो कमेडियन कामरान का जो एक प्रोग्राम था, कामरान कमेडियन के प्रोग्राम को कोई बजरंगदल के गुंडा आपके अटैक करने के खतरे के वजह से हम आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकते। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये पुलिस का जो रवैया है ये कर्नाटक के 6.5 करोड़ आवाम को एक बेइज्जत करने वाला स्टेटमेंट है। क्या मैसेज आप इंटरनेशनल लेवल पर नेशनल लेवल पर दे रहे हैं? क्या एक 4-5 गली के गुंडाओं को डर रही है क्या हमारी कर्नाटक पुलिस? क्या इतनी कैपेसिटी नहीं है उनको अरेस्ट करके उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करे? आर्टिकल 15 के तहत कोई भी काम कम्युनिटी का कोई भी रिलीजियस का मानने वाला क्यों ना हो, मस्जिद हो, चर्च हो, मंदिर हो, देवस्थान हो, वो अपने रिलीजियस के हिसाब से प्रेयर कर सकता है, अपने रिलीजियस का प्रैक्टिस कर सकता है, उसको आप रिस्ट्रिक्शन कर रहे हैं। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इसको कंडम करती है और अगर इसके खिलाफ अगर आप सही आप रवैया अख्तियार नहीं करें तो आपके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करने का भी हम सोचेंगे। और तीसरा एक इश्यू ये है, अभी जो बाढ़ आया था रिसेंटली, बाढ़ आकर तकरीबन 11 लाख एकड़ में जो बिकाई हुई फसल का क्या बोलते हैं नुकसान हुआ है, ये ऑफिशियल रिपोर्ट है, हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से आई हुई रिपोर्ट है, उसको अभी तक फार्मर्स को उसका सही मुआवजा नहीं मिला। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का मुतालबा है कम से कम 5,000 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट से स्पेशल इसके लिए ग्रांट देना है और फार्मर्स को इसका फायदा मिलना है। और आखिरी में हमारा एक मुतालबा यह है जो ऑलरेडी कर्नाटक के जो 94C और 94CC के तहत जितने भी लोग अपने घर के डॉक्यूमेंट के लिए एप्लीकेशन डालते हैं उनको जल्द से जल्द गवर्नमेंट रिकॉर्ड देना है और उसको
डिले नहीं करना है और जितने भी गवर्नमेंट लैंड को एनक्रोच किए हुए बड़े बड़े कंपनीज हो या रियल एस्टेट माफिया हो इनसे वापस जमीन लेकर जो भी लेबर्स हैं फार्मर्स हैं या डेली वेजेस वर्कर्स हैं उनको जमीन की तकसीम करना है। तो ये हमारा मुकदमा है। और खुसूसन आज बेलगाम में डेवलपमेंट का दी तक नहीं है। यहाँ के कॉर्पोरेशन इलेक्शनों के 3-4 महीने हो गए आज तक मेयर नहीं बैठा। तो फुल फ्लेक्सिबल उनको क्या बोलते हैं बहुमत है फिर भी मेयर नहीं बैठा। मेयर अगर नहीं बैठा तो आपकी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं तो कैसा डेवलपमेंट होगा कहाँ से ग्रांट आएगा। क्या आपको वोट के दौरान सिर्फ बेलगाम के लोग नजर आते हैं वोट डालने के एक मिशन है क्या बेलगाम के लोग आज इन रोडों में वहां पर चरंगियों में ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। एक बार आया तो पानी रोडों पे आ रहा है और कचरे का सही समस्या नम राज्य प्रधान कार्यदर्शी